नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल ज्ञान दानवीर पे। दोस्तों आज हम विशेष चर्चा करेंगे एक पॉइंट के बारे में जो सभी अभ्यर्थियों के मन में कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन इस बात का कि अभी से 10 रोज पहले एक पॉइंट यूट्यूब पे वायरल हो रहा है शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए कि सभी को 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा, मतलब 5% का छूट मिलेगा। इसका सारा सिनेरियो बताएंगे, क्या वास्तव में 5% का छूट मिलेगा। लेकिन साथियों इसके लिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। साथ में हम बात करेंगे रिजल्ट के ऊपर भी। उसके बाद ग्रॉस सैलरी जो निर्धारण किया गया है टीचर के लिए वो भी बात करेंगे। इसके अलावा कई बिंदु ऐसे होंगे बीएड को लेकर, क्या प्राथमिक में शामिल होंगे या नहीं होंगे, मतलब SLP जो दिया गया है शिक्षा विभाग की ओर से सुप्रीम कोर्ट में। उसके बाद आपको पता है कि रिजल्ट आने वाला है, अभी जो रिजल्ट तैयार है BPSC के पास, क्या BEd और DLED साथ में 1-5 रिजल्ट तैयार है, क्या रिजल्ट दिया जाएगा तो BEd का 1-5 में नहीं दिया जाएगा, इसके लिए हम विशेष चर्चा इसी वीडियो में करेंगे। लेकिन खास तौर पर अभी हम चर्चा करने वाले हैं कि 5% रिलैक्सेशन के बारे में। दोस्तों बात स्टार्ट होती है 25 अगस्त से। 25 अगस्त वह दिन था जिस दिन अतुल प्रसाद BPSC के चेयरमैन अपने ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट करते हैं। उसमें लिखते हैं कि अभ्यर्थियों की जितनी संख्या है और मेरे पास जितनी वैकेंसी है उसका 75% हम सीट भरेंगे। दोस्तों 75% सीट के बारे में बताया जा रहा है कि फिल अप किया जाएगा, मतलब पूरा का पूरा सीट जो 100% है उसमें 75% भरा जाएगा। साथियों यह लाभ किस अभ्यर्थियों को मिलेगा वो अभी हम आपको बता रहे हैं। देखिए 75% अगर सीट फिलअप किया जाता है तो 9th से 10th और 11th 12th के जो अभ्यर्थी हैं उसमें कुछ ऐसे विषय हैं उसमें जितना कट ऑफ मतलब क्वालिफाइंग मार्क्स है उससे उसको कम करना पड़ेगा। यहां से ही बात स्टार्ट हो जाता है कि 5% रिलैक्सेशन दिया जाएगा। हालांकि कोई ऑफिशियल सूचना नहीं दी जाती है लेकिन अभ्यर्थियों के द्वारा अनुमान लगाया जाता है, विभिन्न अखबार के माध्यम से छपा जाता है कि कुछ परसेंटेज रिलैक्सेशन आपको मिलने वाली है। अब कुछ परसेंट में देखिए 5% मिलेगा, बहुत कम कट ऑफ आ जाएगा, है ना। आपको हम बता दें कि कट ऑफ आपको पता होगा कि जनरल कैटेगरी के 40% यानी कि टोटल 120 में से आपको 48 मार्क लाना है। उसके बाद जब BC का बात करें तो वही आपको 36.5 लगभग आपको 43.8 मतलब 44 मार्क लाना है। अगर EBC का बात करें तो 34%। उसके बाद 40.8 मतलब 41% के करीब आपको मार्क लाना है। उसके बाद आप सभी को पता होगा कि SC ST या कोई भी कैटेगरी के फीमेल है उसके लिए 32% मतलब आपको 38.4 यानी कि 39 मार्क लाना है। अब देखिए अगर 75% सीट भरी जाती है तो इसमें कोई कोई ऐसे सब्जेक्ट है 9th से 12th तक जिसमें वैकेंसी ज़्यादा है अभ्यर्थी कम है, तो इस कंडीशन में स्वाभाविक बात है कि इसका जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है उसको घटाना पड़ेगा, तब लेना पड़ेगा बहाली। क्योंकि 75% सीट नहीं भरेगा तो सरकार के द्वारा जो बताया गया है कि हम 75% सीट भरेंगे तो उसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट ने मिलेगा अगर कट ऑफ पे लिया जाएगा, तो यही है कि बोल रहा है रिलैक्सेशन मिलेगा। अब बात कर लेते हैं कि प्राथमिक में क्या यह रिलैक्सेशन कम करके लिया जाएगा बहाली। तो साथियों आपको हम बता दें कि प्राथमिक में अगर BEd शामिल नहीं होता है तो निश्चित रूप से जितना क्वालिफाइंग मार्क्स उससे सरकार को कम करके लेना पड़ेगा। मतलब अगर BEd अभ्यर्थी आते हैं, है ना, तो अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ जाए तो वास्तव बात है कि कट ऑफ भी ज्यादा जाएगा। तो कट ऑफ ज्यादा जाने के बाद जो यह छूट है या रिलैक्सेशन है वो प्राथमिक में नहीं देखने को मिलेगा। अगर BEd अभ्यर्थी नहीं आते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसला के अनुसार 9 तारीख का जो सुनवाई होने वाला है तो 1-5 अभ्यर्थियों को भी इस छूट का लाभ मिलेगा। इसके बाद अगला पॉइंट हम बात कर लेते हैं कि साथियों आपको बता दें कि बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं उनके द्वारा अपने OMR में बहुत सारी गलती की गई है, जैसे कि रोल नंबर गलत, श्रृंखला आपको गलत भरा गया है, जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है उसमें भी कुछ गलतियां की गई है, तो इस सब को लेकर विभाग एक पहल अपना रही है। हालांकि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो भी अभ्यर्थी सीरीज गलत भरे हैं उसके लिए विभाग की ओर से ऐसा सूचना आया है कि अगर आप सीरीज नहीं भरे हैं तो आपको ABCD जो भी सीरीज है आपके सेक्टर में सबसे आपका OMR मैच किया जाएगा। जिस भी सीरीज से आपका ज्यादा मार्क आ रहा है वह सीरीज आपको वैलिड माना जाएगा, मतलब उसी से आपका मार्क प्रोवाइड कराया जाएगा, तो वास्तव में कहीं ना कहीं अभ्यर्थी के हित में है। उसके लिए भी विभाग कुछ न कुछ उपाय निकाल रही है। रिजल्ट को लेकर अखबार में एक आर्टिकल छपी है जो आपके सामने पीछे में स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्या कुछ लिखा हुआ है इसको खुद देखिए। शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट 16 अक्टूबर तक दिया जाएगा। BPSC के आधिकारिक सूत्र के अनुसार 15 अक्टूबर के बाद रिजल्ट जारी होगा।
अधिक संभावना है कि 16 को जारी किया जाएगा रिजल्ट। इसी माह जिला मुख्यालय के केंद्रीकृत तरीके से बायोमेट्रिक प्रणाली से पहचान कर चयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांट दिया जाएगा। शिक्षक अभ्यर्थी है ना जो भी भाग लिए थे इसमें सबका जो प्रोसेस होगा वो आपको बायोमेट्रिक चयन माध्यम से सबको गुजरना होगा। अगर इस दरमियान में कोई भी अभ्यर्थी फर्जी पकड़ाए जाते हैं तो उनको कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही यह कहीं ना कहीं जैनून अभ्यर्थी के लिए अच्छा पहल है। उसके बाद साथियों आपको हम थोड़ा सा बता देते हैं कि शिक्षा विभाग की ओर से जब फॉर्म फिलअप किया जा रहा था उस समय में भी है ना एक ग्रॉस सैलरी का बात किया गया। ग्रॉस सैलरी कितना रहेगा आपका, पहले आपको मूल वेतन बताते हैं 1-5 अभ्यर्थियों के लिए। आज के पेपर में दिया गया है कि मूल वेतन आपको 25,000, उसके बाद जो 6-8 अभ्यर्थी हैं उनके लिए 28,000, फिर 9-10 के लिए 31,000 और 11-12 के लिए 32,000। वहीं ग्रॉस सैलरी का बात करें, सारा ग्रॉस सैलरी में आता है सब मिला के आपको जो प्रोवाइड किया जाएगा वेतन, मतलब पूरा कुल वेतन आपको वह 1-5 में 44,130, उसके बाद 6-8 में 49,050। वहीं बात करें कि 9-10 में 53,970 और आगे जो है 11-12 में आपको 55,610 जो रुपये हैं आपको सैलरी के रूप में भुगतान किया जाएगा सरकार की ओर से, ऐसा ऑफिशियल सूचना है। अब आगे साथियों कुछ और पॉइंट है जिसको हम बात कर लेते हैं। आगे बात कर लेते हैं कुछ सुप्रीम कोर्ट के मामले पर। यहाँ पर आप पीछे में देख सकते हैं आज के अखबार में लिखा गया है कि 9 तारीख मतलब 9 अक्टूबर को जो बीएड और डीएलएड मामला को लेकर अभी एक कंट्रोवर्सी चल रही है उस पर पूर्ण रूपेण फैसला आपको आने वाला है। क्या कुछ होता है आप 9 तारीख का इंतजार कीजिए, हम अपने चैनल के माध्यम से पहले ही आपको बताएंगे। साथियों मैं ऐसा करता हूँ कि आप सभी बात समझ गए होंगे और आज की वीडियो को हम यहाँ पे अंत करते हैं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हमारे साथ हमेशा जुड़े रहे लेटेस्ट अपडेट के।